जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या भेद छुपा है उसका खोज लगा के देखो, किसी अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो, आज की रात बहुत काली है सोच के दीप जला के देखो, दिल का घर सुनसान पड़ा है दुख की धूम मचा के देखो, जाग जाग कर उम्र कटी है नींद के द्वारे जाके देखो, उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। मुनीर नियाज़ी अपने रंग रूप की तरह उनकी शायरी भी उसी तरह उजली और धुली हुई है, और उनकी दाखली कैफियत की अक्कास है। मुनीर नियाज़ी ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क में देखा, उन्होंने वो अपने शायरी में बयान कर दिया। वो एक तजर्बा ऐसा है, और वही हर बंदे को अपनी कहानी मालूम होती है। फिर हम देखते हैं अपने शायरों को, देखते हैं कुछ लोग गज़ल के अच्छे शायर होते हैं, कुछ नज़्म के अच्छे शायर होते हैं, कुछ गीत निगार अच्छे होते हैं। मुनीर नियाज़ी उन खुशकिस्मत लोगों में है जिनके गीत का जादू भी सर चढ़ के बोला है, जिनकी नज़में आप पढ़ें उसमें जुदाई नज़्म उनकी है, साए है, और इसी तरह हम कलामी है, तसल्ली है, हमेशा देर कर देता हूँ, या और बेशुमार उनकी नज़में, बहुत सारी नज़में उन्होंने लिखी हैं। उन्हें पढ़ें तो आप उन नज़मों में खो जाते हैं, जैसे आप भी उसका हिस्सा हैं जी। ये बहुत कम शायरों को नसीब हुआ। अजनबी शहरों में रहते उम्र सारी कट गई, अजनबी शहरों में रहते उम्र सारी कट गई, गो ज़रा से फासले पर घर की हर राहत भी थी। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, गया तो इस तरह गया कि मुद्दतों नहीं मिला, मिला जो फिर तो यूं कि वो मलाल में मिला मुझे। निहाल सब्ज रंग में जमाल जिसका है मुनीर, निहाल सब्ज रंग में जमाल जिसका है मुनीर, किसी कदीम ख्वाब के महाल में मिला मुझे। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मुनीर नियाज़ी साहब उन शख्सियात में से एक हैं जो अमर हो जाती हैं। उन्होंने अपनी शायरी में गमे जाना और गमे दौरा को ऐसे किया है जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया हो। बहुत ही जामे और बहुत ही अच्छे ख्यालात। मुनीर नियाज़ी साहब का नाम मकाम बहुत ऊंचा है और हमेशा इसी तरह बुलंद रहेगा। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको जमाने नहीं दिया। सोच रहा हूँ अब वो कैसा लगता है मर जाने से पहले जैसा लगता है। मुनीर नियाज़ी के बारे में
بات کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب محبت کا طوفان امڈ آیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھلوال ضلع سرگودا میں مشاعرہ تھا جی۔ منظور وٹو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، وہ صدارت فرما رہے تھے۔ لاہور سے بہت سے شاعر، عطاء اللہ قاسمی، ایوب خاور، سرور بخاری، نیلما ناہید دورانی اور پورے پاکستان سے لوگ ادھر آئے ہوئے تھے۔ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، لاہور میں شفٹنگ کی ہے، تو مجھے مقامی شاعر کے طور پہ وہاں پڑھایا گیا۔ وہاں وہ مشاعرہ پٹواریوں کا مشاعرہ تھا، اس میں 10-15 ہزار لوگ ایک اسکول کے احاطے میں بند کر دیے گئے، گیٹ بند کر دیے گئے۔ اچھا۔ اور پٹواری اور نمبردار اور تحصیلدار اور اے سی ڈی سی پہرا دے رہے تھے کہ لوگ بھاگے نہ۔ اچھا۔ تو وہاں ایک ہڑبونگ کا منظر تھا، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، 12-1 بجے سے بند کیے ہوئے لوگ، رات 10 بج گئے اور وہ چیخ رہے تھے اور کوئی مشاعرہ نہیں سن رہا تھا۔ اور شاعر کو سننے کے لیے سننے والا کا بھی ایک وین ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو وہ لوگ جو ہیں پٹواریوں اور نمبرداروں نے اکٹھے کیے تھے، کون مشاعرہ سنتا۔ تو ایسے میں رات بھیگ گئی، بھیگی رات میں جناب منیر نیازی صاحب جب سٹیج پہ آئے تو چیختا ہوا لوگوں کا سمندر ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہم سب نے حیرانی کے ساتھ دیکھا کہ مجمع نے کسی شاعر کو غور سے اور توجہ سے نہیں سنا، لیکن جب منیر نیازی صاحب آئے تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ ایسے لوگ جو منیر نیازی کو نہیں جانتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا جادو کر دیا، ان کی شخصیت میں ایک ایسا جادو تھا شاعری کے علاوہ۔ مجمع کے اوپر سحر طاری ہو گیا اور تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ نیازی صاحب جب سٹیج پہ آئے تو انہوں نے ابھی ایک مصرع کہا تھا کہ مجمع واہ واہ اور آوازوں سے گونج اٹھا اور اتنی داد ملی۔ تیرا ہونا ضروری تھا، نہ ہونا بھی ضروری تھا، کسی بھی یاد کا ہستی میں ہونا بھی ضروری تھا۔ ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری تھا۔ آج ہم لوگ ان کی 12ویں برسی کے حوالے سے ان کے گھر پہ موجود ہیں، ان کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اپنی اپنی جگہ ہر شاعر، ہر ادیب کچھ نہ کچھ بات ان کے حوالے سے کر رہا ہے، اور ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہی کی گفتگو ہو رہی ہے، انہی کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، ان کو ہر طریقے سے، ان کے ادب کو ہم لوگ سراہ رہے ہیں۔ اکثر ان کو دیکھا جاتا تھا اور ہم سب دیکھتے تھے کہ وہ وائٹ کلر کی جو ڈریسنگ ہے وہ کرتے تھے، سفید کرتا اور اسی طرح سفید شلوار انہوں نے پہنی ہوتی تھی، اور جتنا اجلا ان کا چہرہ تھا اتنی ہی اجلی ان کی شاعری بھی تھی۔ تو میں نے ان کو ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا سر آپ اس ڈریسنگ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور یہ ڈریسنگ، وائٹ ڈریسنگ جو ہے، یہ ہر کسی پہ نہیں جچتی۔ تو میں خاموش ہو گئی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں کوٹ سوٹ میں بھی بہت اچھا، بہت خوبصورت لگتا ہوں۔ میں سمجھی شاید وہ کوئی شعر سنا رہے ہیں، اور میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی دوسرا مصرع کہہ رہے ہیں میں تینوں کیا ہے کہ میں کوٹ پینٹ سے بھی خوبصورت لگنا، اتنا ہی سونا لگنا۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ منیر نیازی صاحب کی رہائش گاہ پر ان کی برسی کے موقع پر ہم ان کی یادوں کو یاد کر رہے ہیں، سب ادیب شاعر مل کر، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ آنے والی نئی نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ان کی شاعری کو سراہا جاتا ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ان کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور وہ بہت ہی اچھے انسان اور کالم نگار اور جرنلسٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنی اردو اور پنجابی کی شاعری میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ وہم یہ تجھ کو عجب ہے، اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو۔ ارے منیر نیازی صاحب سے پہلی ملاقات کب؟ کوئی ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں، کیونکہ میرے رشتے میں وہ تایا لگتے تھے، اور
मैं क्लास सेवन्थ में लाहौर में जब सेंट एंथनी स्कूल में दाखिल हुआ जी, तो वहाँ पे क्योंकि हॉस्टल नहीं था जी, तो मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट से लाहौर की तरफ आया, तो मैं 2 साल उनके पास रहा। अच्छा, 2 साल आप रहे? जी नहीं, सब जी मैं उनके पास रहा, और उस वक्त वो समनाबाद में उनकी रिहाइश थी। तो जब मैं पहली रात रहा तो सुबह मुझे उठ के कहने लगे कि आज तुम्हारे दादा मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने शहादत उनको मिली थी पाकिस्तान बनने पर। अच्छा, तो कहने लगे आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि तुमने रात गुजारी तो आज मेरी ख्वाब में आए हैं। ये उन्होंने आपसे शेयर किया, आप उस वक्त सातवीं सेमेस्टर क्लास में। मुझे ये बात याद है, मैंने आज भी ये बात उनकी अपा से बात की कि मुझे ये बात कभी नक्श हो गई मेरे जहन में। तो मैंने ये दादी को जाके बताई, वो जिंदा थी। मैं कहता था उनको मुनीर भाई। अच्छा, तो ये इस बात पर उनको बहुत खुशी होती थी कि मुझे ये ताया नहीं कहता, भाई कहता है। तो यूँ एक सफ़र का उनसे एक, और वो तल्लक फिर बहुत गहरा होता गया। वो 2 साल नहीं थे, वो फिर आज भी ऐसा ही। नहीं, ऐसा की शख्सियत में क्या ख़ास बात है दोबारा अगर आप वो अब याद करें और देखते हैं तो क्या? नहीं साहब, एक बहुत दरवेश सिफ़त आदमी थे, और वो मुकम्मल, उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ शायरी के अलावा कुछ किया ही नहीं है, मुकम्मल शायर थे, चलते फिरते शायर थे, मुकम्मल शायर थे। अपने वतन के लिए जिंदगी, अपनी वतन की जिंदगी का नाम है, नाम उसका जिंदगी में रोशनी का नाम है। अपने अहले फिक्र से इसकी खबर हमको मिली, एक नई उम्मीद की सुबह सफर हमको मिली। ये जमीन इस्लाम से वाबस्तगी का नाम है, जिंदगी अपने वतन की जिंदगी का नाम है। अपना मकसद सारी दुनिया की खुशी का नाम है, जिंदगी अपने वतन की जिंदगी का नाम है, नाम इसका जिंदगी में रोशनी का नाम है। कि आवाज दे के देख ले शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। ये शेर पहला मेरा हवाला है उनसे तारुफ़ का। फिर उसके बाद लाहौर में आना हुआ तो एक इंटरव्यू के सिलसिले में मैं इनके घर आया, इसी जगह पे हम बैठे हुए थे, तो उनसे मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू हुई। मुनीर नियाज़ी साहब की शख्सियत में जो एक जाज़बियत है, जो एक मकनातीसियत है, वो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ कि वो दूर बैठे महसूस नहीं होती, उनके पास बैठे हुए भी उसी तरीके से वो आपको घेरती है। अक्सर ये होता है कि आप जब दूर होते हैं तो एक बुत बनाते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत उनको लाइक करते हैं। जब पास आते हैं, मुलाकातें होती हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसमें कोई कमी आ जाती है, कोई ना कोई दराड आ जाती है, बाद बुत पाश पाश भी हो जाते हैं, वो बुत पाश पाश हो जाते हैं। और मैंने यहाँ आके बेशुमार बुत पाश पाश होते भी देखे, लेकिन मुनीर नियाज़ी साहब के साथ मिलके ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी वो शख्सियत में एक अजीब जादुई सी कैफियत थी, एक सहर अफरीनी थी कि आप उसके अंदर अपने आप को झकड़ता हुआ महसूस करते हैं। और यही बात उनकी शायरी में भी थी, उनकी उर्दू शायरी हो, उनकी पंजाबी शायरी हो, और बड़ी बाबरकत शायरी है उनकी। बहुत कम शोरा ऐसे होते हैं कि जब वो शेर पढ़ते हैं तो सामईन आगे से उनके अशार जो हैं वो दोहराते हैं, ये बड़ा कम ऐसा हुआ है। कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब बातें उसकी सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगी अनबनी दुनिया पर एक खिड़की अनखुली रहने दो। हम हैं दोस्त तो अश्केरा
मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये कहाँ हम मौजूद हैं, जरा बताए ना। हाँ, ये तो न्यायी साहब का घर है और ये तिलिस्माती दरवाजा है। तिलिस्माती दरवाजा जो खिड़की है। बिल्कुल, इसकी असातिरी हैसियत है, एक पूरी तारीख इससे वाबस्ता है। यहाँ एक खूबसूरत शख्स निकलता था, लाल सुर्ख एप्पल कलर्ड। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, मतलब शख्स निकलता था जो लाहौर में हीरो बनने के लिए आया था। वाह। और बाद में शायर जब दरियाफ्त हुआ तो वो हीरो बहुत पीछे रह गया और शायर आगे चला गया, और आज हम उसी हवाले से इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, पहली मुलाकात नहीं सब के साथ कैसे, कब हुई? बस वो आप आए थे? हाँ, ये तो मुझे याद नहीं, मुझे तो लगता सदियों पीछे पहले। बिल्कुल पता नहीं, ऐसे न्यायी साहब में कोई फर्क ही नहीं रहा। हर वक्त बैठना उठना, न्यायी साहब की बातों से सीखना कैसे वो बातें करते हैं। बल्कि मैं तो जब आंटी सुगरा थी पहली, जो जिनको हम राजहंस की जोड़ी कहते हैं, न्यायी साहब इतने खूबसूरत बेगम, तो फिर जब अल्लाह बख्शे जब वो गंगाराम में बैठती थी तो मैं वहाँ जाता था, मरीजा थी तो मैं जाकर पूछता था न्यायी साहब कैसे शायरी करते हैं, तो बताती थी वो काटते रहते हैं, ये करते रहते हैं। फिर न्यायी साहब आ जाते थे, कहते भी क्या बातें हो रही हैं, कहती आपकी बातें हो रही हैं, आपके बारे में पूछ रहा कैसे, तो न्यायी साहब कहते चलो उठो साथ चले। तो फिर हम जब वो जाते थे, जो हाल रोड को जब सड़क मिलती है गंगाराम से, तो जब हम जाते थे तो इतना खूबसूरत शख्स, यानी मुनीर लोग देख कर, सफ़ेद बाल, आपको पता और सफ़ेद रंग जो जचता था, बड़ा। अच्छा, गाड़ियाँ रुक जाती थी ना, उधर का रुकते थे, न्यायी साहब किधर जा रहे हैं, तो ये मैंने मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। बड़ी खूबसूरत बात अशफाक सैयद साहब ने, शाह साहब ने कही थी, अशफाक नकवी साहब ने, जी जी, उन्होंने कहा था मुनीर नियाज़ी वो शायर है जिसने बात की, मुकालमा किया और फिर बंद कर दिया, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ छोड़ दिया, ये नहीं कि लटके रहे, वो जो बात चाहिए थी वो कह दी। यानी न्यायी साहब कितने कितने दिन को शेर नहीं कहते थे, मैं आके अक्सर पास बैठा रहता था, बाज़ वक़्त एक एक दो दो मिसरे होते थे, कहते देखो यार ये मिसरा हुआ है, ये दो मिसरे हुए, यानी वो ऐसे था जैसे मीर के शेर थे कि लोग लेकर सफ़र करते थे तोहफा देने के लिए। क्या बात, तो न्यायी साहब की शायरी भी ऐसी, आप देखें उनके इख्तसार का ये आलम था कि नज़मों से वो एक लाइन की नज़म तक भी आ गए। सही। जब उन्होंने देखा कि एक नज़म में बात बन गई तो दूसरी लाइन नहीं कही साथ। सही। ये होती है उनकी एक, यानी उनके विजन और उनकी जो अप्रोच, उनका इदराक है, तो उन्होंने छोटी नज़म जिसे कहते हैं हम मुख्तसर नज़म, इख्तसार जो है वो न्यायी साहब ने मुतारक करवाया। न्यायी साहब के साथ मेरी अटैचमेंट ये थी कि मैंने एक दफ़ा उनकी एक नज़म की आखिरी दो लाइनें पढ़ी, वो इस तरह थी कि मैंने वहाँ मुझे की जगह मुनीर लगा दिया, हालांकि शायर की आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो था कि हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है, मुझे लिखा था मैंने लगा दिया मुनीर, ठीक, हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है मुनीर, आग में जलता हुआ या बर्फ़ में सोया हुआ। तो न्यायी साहब कहते तुम्हें इजाज़त है मुनीर लगाने की। वाह वाह। यानी ओरिजिनल शायर का मैंने शेर बदल दिया, मैं जो एक बर्बाद हूँ आबाद रखता है मुझे, मैं जो एक बर्बाद हूँ आबाद रखता है मुझे, देर तक इसमें मोहम्मद शाद रखता है मुझे, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, देखो सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा, दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अबरो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। तो इतना उनके हाँ, अब वो जो उनकी नज़म उसकी लाइन मेरे ज़हन में आ रही है कि हुस्न के इलाके में हर किसी के चेहरे पर एक ज़िया सी होती है, तो ये उनकी एक एक लाइन कोटेबल है कि जेकर जे मेरा बस चले तो मैं किसी को मरना देवा, कैसी कैसी उनकी। तो न्यायी साहब में असल में शायर वो बड़ा होता है जिसकी जो चीज़ें हैं वो, यानी वो बन जाए जिसे आप कोट कहते हैं, या वो चीज़ें बन गए जो हम जिसे रेफरेंस दे सकते हैं, उसे हम परवर्ब्स कहते हैं, उसे ज़री अशआर हो गए, यानी इसका मतलब जैक वाले ज़री होते हैं, मेरा सब्जेक्ट तो परवर्बियल पोएट्री कहते हैं, परवर्ब्स बन जाए। तो न्यायी साहब की लाइनें परवर्ब्स हैं, आप कहीं भी कोट करें जिससे गालिब है, तो ये बड़े शायर की निशानी है कि उसकी लाइनें आपने सुन, ये हो गया ना उस बेवफा का शहर है और अहमद दोस्त कैसी कैसी, बल्कि ये बड़ी मज़े का मुझे बात है आपके, हमारे जो कारीन हैं उन तक ये, या सुनने वाले जो हैं हमारे नाज़रीन जो हैं,
ان تک ایک بات بڑی مزیدار میں پہنچانا چاہتا ہوں. جب یہ چھر میں رہتے تھے نا, یہ وہ گلف جو گلف دیے ہوئے کپڑے پہنتے تھے سفید رنگ کے, تو اس سے نیچے خسا اور خوبصورت سفید بال, تو یہ باہر نکلے تو ایک رکشے کو اشارہ کیا انہوں نے, تو رکشہ رکا, لیکن انہیں غلط فہمی ہوئی, رکشہ کسی خاتون نے رکا تھا, وہ پہلے بیٹھ چکی تھی. اچھا, جب نیائی صاحب بیٹھنے لگے ایک ٹانگ اندر کی تو رکشہ چل پڑا, تو نیائی صاحب گرتے گرتے بچے, تو نیائی صاحب نے اس کو برا بھلا کہا کہ یہ بدتمیز, تو اس رکشے کے پیچھے نیائی صاحب نے پڑھا لکھا ہوا تھا, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم دوست. بہت بہت شکریہ شاہ جی. آپ کو یہ میں ضرور بتاؤں خاتون آزاد, یہاں یہ گفتگو کی وجہ یہ تھی کہ ایسے ایک بار نیائی صاحب سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا جو کمرہ ہے اس میں دروازہ نہیں ہے, آپ نے کھڑکی رکھی ہوئی, تو اب وہی وہ جو جملے کی بات شاہ جی کہہ رہے ہیں, کہنے لگے نہیں اس سے ذرا بغاوت کا احساس رہتا ہے, تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا, بہت شجر تھے تھوڑے گھر تھے, جن کو تھا دوری نے گھیرا, اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا, بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. میرے منیر نے آجی جی زندگی کے 22 سال ایک حسین خواب کی طرح گزر گئے, ان کی بے پناہ محبت اور شفقت زندگی کے آخری لمحات تک نہ بھلا سکتی. بہت بڑے شاعر, دنیا ادب کے شہنشاہ, باکمال, خوبصورت, ہر دل عزیز, سچے انسان, اتنی پرکشش شخصیت کے مالک کہ جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ روشن ہو جاتی, جس سے محفل میں جاتے اس کو 4 چاند لگ جاتے, وہ خود اتنے حسین تھے کہ چاند بھی مان پڑ جائے. مجھے اللہ تعالیٰ نے تحفے کی شکل میں منیر ریاضی صاحب کو دیا, مجھے اپنی ساری زندگی کا حاصل مل گیا. میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ میں اس عظیم انسان کی بیوی ہوں. 26 دسمبر 2006 کو اچانک نیازی صاحب کا انتقال ہو گیا. ملک و قوم اور دنیا بھر میں اردو پنجابی پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا, میری تو دنیا ہی اجڑ گئی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. میں اب تک اس غم سے باہر نہیں آ سکی اور یہ دردناک لمحہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی. وہ اپنے پیروں پر چل کر ہسپتال گئے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بیمار ہوئے اور ٹھیک ہو کر گھر آئے, لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ چکا تھا. میں خالی ہاتھ, بے یار و مددگار گھر لوٹی. نیازی صاحب کو رخصت ہوئے 8 برس ہونے کو آئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے, میں تو ایک لمحہ بھی ان کو نہیں بھلا پائی. آنکھوں میں لے کر سوتی ہوں, آنکھوں میں لے کر اٹھتی ہوں. جہاں جہاں محفل میں ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں, ان کا نام زندہ ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا. وہ اردو اور پنجابی شاعری کا اہم ستون ہے کہ جانے کے بعد ان کا خلا کا پر ہونا بہت مشکل ہے. بیگم ناہید منیر نیازی, کیا تحریر ہے آپ کی, آنکھوں میں لے کر آپ سوتی ہیں منیر نیازی صاحب کو اور آنکھوں میں لے کے اٹھتی ہیں. اب تک جب وہ زندہ تھے صبح میں اٹھتی تھی سب سے پہلے ان کا چہرہ دیکھتی تھی, اور اب بھی میں اس کمرے میں آ کے اس تصویر کو سب سے پہلے دیکھتی ہوں. جو حضور پاک کی مور ہے نا, اللہ رسول محمد, سب سے پہلے میں وہ دیکھتی ہوں اور پھر آ کے یہ دیکھتی ہوں, پھر نماز پڑھتی ہوں. آپ کیا بھی کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ اتنی سادہ ہے آپ کی طبیعت, کہ انہوں نے کہا کہ پنگوڑے میں کیا کیا بتا رہی تھی آپ؟ تو سادگی کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں پنگوڑے میں پڑے پڑے بوڑھی ہو گئی. یہ آپ کے متعلق ہے. آپ نے اب ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے اور یہ جو ابھی یہ جس تھیسس کی بات آپ ڈاکٹر صدف بخاری کی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جزا نصیب کرے, یہ تھیسس تھا ان کا ڈاکٹر منیر نیازی صاحب, یہ تحریر آپ کی اس کے لیے تھی جی, اور وہ خود بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے ڈاکٹر صدف بخاری. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اتنا ذات کہ یہ ڈاکٹر سمیرہ اعجاز, یہ ایک اور ان کا تھیسس منیر نیازی صاحب پہ, اور پھر امرینہ خان یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس. سو یہ سلاسل ہے. جو محبت ہے ان کے پڑھنے والوں کی, ان کے چاہنے والوں کی, کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ بہت خوش ہوتی ہوں جب ان کے چاہنے والوں کو میں دیکھتی ہوں, اور جب کبھی جیسے آج ان کی برسی کے موقع پہ پروین شاکر کا دکھایا, اس کو بھی میں بہت اچھا اور پیار کرتی ہوں. دلی میں میں اور وہ اکٹھے تھے پروین شاکر. اچھا جی. ایک فنکشن میں. کیا خاص بات تھی منیر نیازی صاحب میں, اگر آپ سے پوچھے شریک سفر آپ شریک ہیں؟ وہ ایسے تھے, انہیں دنیا چاہتی تھی. پتہ نہیں کیا ایسا جادو تھا ان کی شخصیت میں کہ جو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے. سڑک پہ جاتے تھے,
مجھے ایک بار کسی نے سنایا کہ نیائی صاحب کے کوئی اناؤنسر تھیں ریڈیو اسٹیشن میں, وہ گئی ان کی شادی باہر لندن میں ہو گئی تو نیائی صاحب کی ایک بک لے کے گئیں, تو وہاں لوگوں نے دیکھی انہوں نے اتنی اچھی شاعری, یہ شخص کیسا ہوگا. تو دوسرے دوست نے کہا کہ تم جب لاہور جاؤ تو مال روڈ پہ چہل قدمی کرتا ہوا جس شخص کو دیکھو, اور لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں وہ منیر. تو یہ ریاضی ہو. آہا, واہ 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 واہ. تم نے دیکھا تھا نور ان کو کتنے خوبصورت صبح بخیر پروگرام, یہی کرسی میں. جی وہ پروگرام جب وہ ہوا ستارہ ازاد روشن پاکستان میں, اسلام آباد, میری تو سانسیں رک گئی تھی جب میں بات ان سے کر رہا تھا. اور آپ کو ویسے ہی بات بتاؤں, میں نے ان سے ایک سوال کیا, اب وہ جب بات کر رہے تو میں سے دم خود, تو کچھ دیر بعد بات کرنے میں کہنے لگے وہ آپ نے کیا سوال کیا تھا, وہ شکر ہے مجھے یاد تھا, نہیں تو میں تو بالکل جیسے آپ کہتے نا سحر والی بات, سحر والی بالکل تلسمات. اچھا حالانکہ ساری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت روب تھے والے تھے یا ہوتے, ایسا کبھی نہیں تھا. اگر بے تکلف تھے تو کئی چند لوگوں سے, اچھا ان کو اب بھی کوئی بات کرے یا ان کا ذکر کرے تو میں اپنے دل میں یہ سوچتی ہوں کہ منیر نیازی کی سوچ اور ذہانت تک کس آدمی کا پہنچنا بہت مشکل ہے. اللہ اکبر, اتنا ذہین انسان میرے خیال میں تو مشکل ہی ہے. اس صدی کا واحد آدمی تھا میرا شوہر, میرے منیر نیازی اس صدی کے واحد آدمی تھے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے شاعری کے لیے مجھے. آپ کی شادی کا جب سلسلہ ہوا تو یہ اشفاق صاحب اور کیسے سلسلہ بتائیے نا. اس طرح جو میری بھابھی ہیں نا, ہم ہندوستانی ہیں, میرے بڑے بھائی کی شادی مطلب ادھر پنجاب میں ہوئی, تو وہ ان کے ماموزاد بھائی ہیں اشفاق صاحب جو. جی ٹھیک. اچھا تو بس وہاں پہ بات ہو رہی تھی جب منیر نیائی صاحب اکیلے ہو گئے, ان کی پہلی بیگم فوت ہو گئی, تو ان سب نے یہ سوچا کہ یہ اکیلے کیسے رہیں گے, تو شادی ہو جانا چاہیے. تو نیائی صاحب کہتے میں نے منع کیا تھا کہ میں اکیلے, تو اشفاق صاحب نے منایا ان کو. ٹھیک. تو پھر میں کراچی چلی گئی تھی بزنس کے سلسلے میں, میرا چھوٹا بھائی اور ہم, میں ڈیڑھ سال کراچی رہی ہوں. اچھا جی. اور ویسے ہم مسنگ چنگی پہ رہتے تھے, تو چلا تو میرے بڑے بھائی نے یہاں سے فون کیا کہ تم آ جاؤ ایک رشتہ ہے. اچھا میری بھی مجھ سے چھوٹی دو بہنوں کی شادی ہو گئی تھی. اچھا جی. حالانکہ میں شکل صورت میں ان سب سے ذرا مدھم تھی. اچھا جی. اور میری شادی نہیں ہوئی تھی, مگر میں کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میری ماں جو تھی نا وہ کہتی تھی میں تو کسی بہت پڑھے لکھے آدمی سے شادی کروں گا. اللہ. ہاں تو بس اس میں میری لیٹ ہو گئی شادی. جب میں کراچی سے آنے لگی تو میں نے اپنے بھائی یونیورسٹی میں پڑھاتی ان سے پوچھا کہ منیر نیازی کیسے, اپنے دور کا غالب سمجھ لو یا اس سے بھی بڑا آدمی. واہ واہ, یہ ادھر دیکھا جب آپ نے پوچھا. اس سے بھی بڑا آدمی, وہ تو غالب کو بھی نہیں مانتے, وہ اپنے آپ میں گم رہنے والے آدمی ہیں. کل دیکھا ایک آدمی اٹا سفر کی دھول میں, گم تھا اپنے آپ میں جیسے خوشبو پھول میں. تو مگر تم اب منع مت کرنا, تم چلی جاؤ. جب میں یہاں آئی تو شاید یہ 25 دسمبر تھی جی, جب ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ میں ذرا اس پہ ٹی وی پہ دیکھ لوں, کوئٹے میں مشاعرہ تھا. اچھا جی. تو وہ مشاعرہ میں دیکھ لوں, ان کو دیکھ لوں گی. تو بولا کہ میں تو ٹکٹ بھی لے کے آ گیا, گھر میں یہ بات ہوئی تو اب تو جانا پڑے گا. تو ہم 25 دسمبر کو گاڑی میں تھے. ٹھیک. اور جب یہاں پہ آئے تو وہ مشاعرہ ہو چکا تھا اور میں نہیں دیکھ سکی. میری بھابھی نے تصویریں مجھے میری نیائی صاحب سے شادی سے ایک گھنٹہ پہلے دکھائی. اچھا جی. اچھا یہ دیکھ لو, مری جا رہی تھیں یہ تصویریں. اچھا وہ میں نے تصویریں دیکھ لی. اچھا جب ہم آتے تھے تو خوب گپے لگاتے تھے میں میری بھتیجی ہیں, تو رات کے 1:30 بجے میری بھابھی نے کہا کل تمہاری شادی ہے. اچانک شادی, بس پھر اس کے بعد دیکھا تو واقعی صبح شادی تھی, شادی ہو گئی. جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں, جس نے میرے دل کو درد دیا. دھوکا بھی کھا کر دیکھو یہ دھوکا.
मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। नहीं सब की जैसे उनके तारीन या चाहने वाले, आप ऐसी क्या बात हमसे शेयर करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हो? नहीं सब के बारे बस उन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं जैसा। इतनी मेरे दिल में अब भी इतना दर्द है उनके लिए कि मैं बता नहीं सकती। अब भी कोई दिन मेरे घर में ये काम वाली बच्ची है, कोई लम्हा कोई मैं टीवी देखती हूँ, हर वक्त जैसे वो मेरे साथ हैं। अच्छा एक ये कि मैं बैंक जाऊँ या कहीं जाऊँ तो मैं इतना नहीं कहती, मेरा शनाख्ती कार्ड नाहिद बेगम के नाम से है, तो जब उन्होंने किताब लिखी एक दुआ मैं भूल गया, मेरे नाम उसका इंतसाब उन्होंने किया तो उस पर उन्होंने लिखा नाहिद मुनीर न्याजी, तो जब से मैं अपना नाम नाहिद मुनीर न्याजी लिखती हूँ। लेकिन ये मकान उन्होंने पहली बार जब हार्ट की तकलीफ़ हुई तो ये घर मेरे नाम कर दिया उन्होंने, तो मगर उन्होंने कहा कि नाहिद मुनीर न्याजी के नाम से तुम्हारा दूसरा शनाख्ती कार्ड मैं बनवा देता तो ज़िंदगी में तुम्हें दुश्वारी नहीं होती, मगर अब घर तुम्हारा नाम से नाहिद बेगम के नाम से चलो ये भी चलता है। मगर मैं किसी को बहुत कम कहती हूँ, अगर कह दूँ मेरे साथ मेरे बहन हुई हों या ये बच्ची हो कि ये बेगम मुनीर न्याजी हैं तो लोग अब भी उठ के खड़े हो जाते हैं और इतनी इज्जत करते हैं। बैंक जाओ, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता, कहीं बिल जमा करने में या वैसे, तो इतना। और अच्छा उनसे लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो ये था। अगर आपसे ये मैं पूछूं, अब आजकल आप देखती होंगी नौजवान नस्ल में झगड़े बड़े हो जाते हैं बीवी में, तो कैसे इस रिश्ते को संभालने का क्या गुर ये जो आप जैसे मोहब्बत बता रही है, आपकी आंखें बोलती हैं, आप जब बात करती हैं तो वो उसमें से रोशनी निकलती है। मेरी लड़ाई नहीं होती थी तो वो क्या गुस्से वाले भी बहुत थे। अच्छा गुस्सा उन्हें किस बात पे होता था, जैसे वो लिख रहा है ना कोई चीज़ गिरा दी किसी काम वाली ने या कोई आ गया बीच में तो उनका मूड ख़राब हो जाता था। अच्छा बच्चों की तरह उनकी शख्सियत थी, मूड ख़राब हो गया तो खाना नहीं खाना, बच्चों की तरह यहाँ बैठे रहना। अच्छा मैं 2-3 बार गर्म कर करके लाती थी खा लें, नहीं खाना तो क्या नाम होता है, मैं उनका हाथ पकड़ा अपने सर पर रखा और मैंने कहा जो नहीं खाए उसे कसम लगे। अल्लाह तो वो क्या कहते यार सोहरा चली गई तू कसम ना दिया कर। फिर उसके बाद भी अपने गुस्से का भ्रम रखना, खाना नहीं खाना, जब मैं चली जाती थी ट्राली छोड़ के तो फिर बाद में आके इस कुर्सी पे खाना खाना शुरू कर देना तो मैं इधर ही खड़ी होती थी, तो ये चाबी का निशान जो है ना मैं इसमें से देखती थी खाना खा रहे हैं, तो फिर मैं अंदर आ जाती तो मेरा हाथ पकड़ के दूसरी कुर्सी पे बिठा लेना, बस ये इतनी देर की लड़ाई। वाह वाह, ये जो आपने यादों का गुलशन सजा रखा है। अच्छा भूल जाती हूँ, एक एक पुर्जा संभाल के उनका रखती थी, एक एक किताब अब भी, और इस तरह तो अच्छा वो मुझे ये समझते थे कि मैं कोई उनके लिए बड़ी खुशनसीबी साबित हुई हूँ। अच्छा उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जब मैं आई शबनम शगमेल ने कहा नियाजी साहब आपकी ये बेगम आपके लिए खुशनसीब, कहते वो तो मैं कहता हूँ नहीं तो तो सारे उसके उसके बाद सितारे इम्तियाज भी मिला, जब सितारे इम्तियाज दोबारा मिला है तो वो यहाँ लाहौर में ही दिया गया जी, लाहौर में इधर ही दिया गया था, और कर्नल ये मकबूल खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे, तो उस महफिल में शबनम शकील ने कहा यूं कि उनको भी मिला था, वो यहाँ लाहौर आई थी कि देखें नियाजी साहब आपको दूसरी बार सितारे इम्तियाज मिल गया। आपका क्या दिल चाहता है जैसे आप मीडिया की बात कर रही हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि नियाजी साहब का नाम चारों तरफ फैले, लोग खुश हों, उन पर काम करें, केसीडे बनाएं, फिल्में बनाएं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मामूल क्या होता था, मतलब कैसे जैसे जब अगर अहमद है और उन्होंने लिखना है कुछ या क्या एक बेचैनी होती थी क्या सुबह का? वो इधर लेटे होते थे, वो कहते सुबह सहर का एक ख्वाब भी मेरी नज्म है, मैं इधर जैसे फ़ोन करने आई हूँ तो अगर आप कमज़ोर हो गए थे ना इस ज़रा तुम ये 2 लाइनें इधर लिख दो तो मैं इधर मेज़ पर लिख देती थी,
शेव कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई ख्याल आया तो ये जो मेज पड़ी है ना, अच्छा ये इधर इसीलिए पड़ी हुई थी कि यहाँ एक डायरी और पेंसिल होती थी, जैसे ही आया तो लिख लेते दिया। आपको भी डिक्टेट करा दिया, मतलब कि ख्याल आया तो लिख दो। हाँ, लिख दो। शेव भी बना रहे हो, शेव भी बना रहे हो, मुंह पे पफ लगा हुआ और यूं करके लिख दी। पढ़ना अंग्रेजी और लिखना उर्दू, पढ़ना अंग्रेजी लिखना उर्दू। VCR पे क्राइम की फिल्में देखना। अच्छा, मूवीज देखते थे? मूवीज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ये कि लिखने का स्टाइल ऐसा था कि दरबारी और इस तरह के राग सुनना, मेरी काम वाली कहती थी साहब क्या रहे 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 री 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 सुनते रहते। अच्छा, फिर वो अमजद अली खां के और इनके सितार सुनते थे। अच्छा, और अगेथा क्रिस्टी के नावल पढ़ते थे, अनारकली से नावल, वो छोटे अंग्रेजी के छांट छांट के वहाँ से लाना। अच्छा जी। तो वो इधर लैंप लगा हुआ था तो उसमें पढ़ते रहना और उसी तरह सो जाना। और फिर ये जो पहले ये टेप उनके पड़े हुए दो तीन अंदर अलमारी में भी पुराने, इसमें क्या नाम होता है दरबारी और ये सब, और अपने कापी पेंसिल रखी हुई है और शायरी हो रही है। और कभी कभी इस मौज में होते थे, मैं कहीं कपड़े बदलने जाना, यार इन कपड़ों में कौन है, मुनीर नियाज़ी तो है ना। कभी कभी ये लहर भी होती थी उसी तरह। तो, की थी बाबा। तो इसी तरह उस लहर में निकल पड़े, और कभी बहुत ज़्यादा बंद समर के निकलते थे। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं साहब के तो मद्दा की बहुत ज़्यादा खातीन भी बहुत आती थी। मैं किसी वक्त छेड़ देती थी कि हमारा घर तो मीना बाजार है, तो इतना हंसते थे मुंह सुर्ख हो जाता था, मीना बाजार सुर्ख हो जाता था मुँह। तो इस तरह कभी कभी मैं जलने भी लगती थी किसी की ज्यादा दरफ्त, तो आफ्टर ऑल बीवी थी। बिल्कुल ठीक। तो मैं बता देती थी उन्हें, न्यायी साहब कोई ऐसा आता है ना तो मेरी भी छठी इस काम करती है, तो जो जो नहीं मिलने वाला है तो वो ये है, और जो मिलने वाला है वो ये है। और एक सतह पे मासूम बहुत थे, दुनियावी उन चीज़ों में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी कि पैसा इकट्ठा करना या कुछ। मशायरे से आए पैसे, उन्होंने उसी वक्त काम वाली को इसको 100 पकड़ा, ऐसे 50 पकड़ा। हमारे पास 22 साल के पुराने नौकर, हालांकि हम खुद हमारे हालात ऐसे ही रहे सारी उम्र कलम के बलबूते पे जिसने ज़िंदगी गुजारी हो, तो कह रहा होता है ऐसे। मगर ये कि मशायरे से आए, मैंने कभी उन्हें हाथ से नहीं रोका कि किसी को ना दो। तो जो उन्होंने दे दिया तो वो लोग 22 साल के बाद, अब वो फौत हो गए तो काम वाली भी या वो माली भी, तो इसलिए कि वो उनकी शाखर्ची से खुश थे कि साहब आया है तो कुछ मिलेगा। अब जब चाहे साहब के पास दूसरे दिन कुछ भी ना हो, लेकिन साहब इसकी फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं करना। बाजार जाना या कुछ खरीदना पसंद करना कभी खुद था शौक या आप करते नहीं करते थे? अच्छा, और अच्छी चीज़ें मेरे क्या लिए करते थे ज्यादा? पसंद मछली शौक से खाते थे, शौक से मछली। जब भी बाजार जाना, बैंक बिलशिल जमा करने, तो मछली लेके आना। फल बहुत बेहतरीन खरीदते थे। अच्छा जी। और उनका एक ये था, कम खाओ अच्छा खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, कम पहनो अच्छा पहनो। अच्छा, ये नहीं कि बेशुमार जोड़े हैं और इसी तरह, नहीं, जिसे देख के आदमी की नज़रें उठ जाएं, ऐसा लिबास हो, खाओ अच्छा, दस्तरखान हो, तो इस तरह चॉइस बहुत अच्छी। और अच्छा एक ये कि सच्चे आशिक रसूल थे, अगर देखा जाए उन्हें 3 हुजूर पाक की ज़्यारत हुई अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह, एक बार वो इधर सर रख के, बिजली नहीं थी ना, पता नहीं एसी नहीं चल रहा था, इधर सर लग के बैठ गए, तो मैंने कहा न्यायी साहब उधर काबा है, कहते हैं अच्छा, पैर उधर कर लिए, जब उठे तो कहते हैं तूने मुझे कहा था कि उधर काबा है, और मैंने अभी हुजूर पाक को ख्वाब में देखा। अच्छा, आपने अभी एक बात की खूबसूरती की और शख्सियत की। हाँ। अब जो हमारे वज़ीर आज़म है इमरान खान। हाँ। स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत आदमी, उन जैसा फिर भी नहीं है। न्याजी साहब जैसा फिर भी नहीं है, लेकिन वैसे उनसे ताल्लुकात थे। एक बार इमरान खान और न्याजी साहब कराची के लिए अमन वाक हो रहा था, वहाँ के हालात खराब थे, तो दोनों इकट्ठे थे, मुझे आके सुना, कहते हैं मुझे आके सुनाया कि इमरान मेरे साथ था और बहुत बातें हुई पाकिस्तान के मुतालिक, उसने भी कहा कि हमारी तरफ जलंधर के लोग भी बहुत शहीद हुए, और इस तरह हम बातें करते रहे, और मैं थक गया था तो उसने गाड़ी मंगवाई और फिर हम गाड़ी में गवर्नर हाउस गए, इस तरह। फिर उनके हॉस्पिटल की मीटिंग वगैरह होती थी शौकत खानम की, जाते थे तो हमेशा ये कहते थे कि वो बहुत सादा आदमी है, ये खाना
मैं कहती थी खा के आए, कहते हाँ उसकी वजह से मैं खा के आता आया खाना। तो मैं कहती क्या पक्का हुआ, चने की दाल नान सादा। ये इमरान खान साहब ऐसे ही मतलब हुआ, ठीक है। न्यायी साहब भी सादा आदमी थे, हाँ कहते मैं वन डिश का आदमी हूँ। क्या तजवीज़ देना चाहेंगी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के लिए, आपकी तरफ से तजवीज़ आए क्या करना चाहिए इमरान खान को? सबसे पहले तो ये कि देखें अब ये तजावजात और ये सब ख़त्म हुआ, इसमें बहुत लोग भूखे भी मर गए, इतना बिखरा हुआ है सब कुछ के कोई मुतबादिल इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि नाजायज जो किया हुआ है उसको तो हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, ठीक है, हटाना चाहिए और नेक दिली से हटाना चाहिए, नेक दिली से हटाना चाहिए, ठीक, कि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे और काम भी हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह क्या नाम होता है, उन्होंने कहा है कि मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ, अल्लाह करे बन जाए, आमीन अल्लाह करे बन जाए, और सच्चाई हो पाकिस्तान में और हम सच्चे मुसलमान रहे, पाकिस्तान फले फूले, हम तो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। न्यायी साहब का एक शेर है, एक नगर ऐसा बस जाए जिसमें नफरत कहीं ना हो, धोखा करने की जुर्म की ताकत कहीं ना हो, इसके मकी हो और तरह के मस्कन और तरह के। सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। जिंदा दिलाने लाहौर, और लाहौर शहर की एक खूबसूरत शाहराह है गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड। ट्रेड के हवाले से, हैपनिंग्स के हवाले से ज़िंदगी रवा दवा है। इस खूबसूरत शहरा में एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया और ये ब्रिज बना, और इस हवाले से एक तजवीज़ ज़ेरे गौर थी, पर उसको अमल दरामद के लिए एक इश्तहार छापा गया तमाम मरकज़ी अखबारात में। आइए वो सुनते हैं कि वो इश्तहार क्या था और वो इश्तहार किस बारे में। इत्तलाए आम, ज़िलाई हकूमत लाहौर जेल रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के संगम फवारा चौक पर वाके नौ तामीर शुदा सिग्नल फ्री कॉरिडोर फ्लाईओवर का नाम बर्रे सगीर पाको हिंद के मारूफ शायर मुनीर न्याजी के नाम पर मुनीर न्याजी फ्लाईओवर रखना चाहती है। मुनीर न्याजी की बेमिसाल शायरी का पूरी दुनिया एतराफ़ करती है। उनकी शायरी के तराजम अंग्रेज़ी समेत दुनिया की बेशतर ज़ुबानों में शाया हो चुके हैं। बर सग़ीर पाक व हिंद में उर्दू और पंजाबी शायरी में इतनी मकबूलियत और अदबी मैदान में उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, दो मरतबा सितारा इम्तियाज़ और कमाल फ़न अवार्ड से भी नवाजा गया। लिहाजा अगर किसी शख्स, तंजीम या इदारे को मज़कूरा बारा फ्लाई ओवर का नाम रखने के सिलसिले में कोई एतराज़ हो या वो कोई तजवीज़ देना चाहें तो वो नोटिस आज़ा की इशात के बाद 7 यौम के अंदर डॉक्टर नदीमुल हसन गिलानी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर को CPRO ऑफिस जिना हॉल शाहराह कायदे आज़म लाहौर के एड्रेस पर तहरीरी तौर पर आगाह फरमाएँ। नीज 7 यौम के बाद आने वाला कोई एतराज़ या तजवीज़ काबिल कबूल ना होगी। शोबा ताल्लुकात आमा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 27 अप्रैल 2016 को ये इत्तलाए आम तमाम अखबारात में छपी। 2018 है,
दिसंबर में मैं मौजूद हूँ और 2019 की हम बात कर रहे हैं, करीबन 3 साल होने को आ गए हैं। ये फ्लाईओवर बन चुका है, ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन मुनीर न्याजी साहब का नाम यहाँ दिखाई नहीं देता। क्या इसका ताल्लुक सुर्ख फीते से है? क्या कोई एतराज़ है? मैं ये चाहूँगा कि आज हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म से जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हो तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हुकूमत पंजाब, सकाफत का इदारा, जो भी मुतल्लिकीन है, वो इस बात का जवाब दें कि मुनीर न्याजी फ्लाईओवर जो एक, और फिर सिर्फ इतना कहूँगा कि रास्ते उन्हीं लोगों के नाम से ही मंसूब होने चाहिए जो दिलों में रास्ते बनाते हैं, जो लोगों के लिए फिक्र के रास्ते बनाते हैं। कोई तो होगा जो इसका जवाब देगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के चलने के कुछ अरसे बाद आप यहाँ आवेजा देखेंगे, मुनीर न्याजी फ्लाईओवर, और हम देखेंगे।